अस्सलामुअलैकुम जी, आज मैं आपको अपना नया जो हाउस टूर है वो करवाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। ये हमारे घर की बाहर की एंट्रेंस है जो अभी हमने परचेज़ किया, और यहाँ पर बेल भी लगी हुई साथ। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर एंटर होते साथ सबसे पहले जो है हम लॉक कर लेते हैं, यहाँ पर बटन लगे हुए हैं। और उसके बाद आते साथ जो यहाँ पर है वो वॉशरूम है, सेपरेट दिया हुआ है ये वॉशरूम, क्योंकि ये पार्टीशन है इसलिए वन रूम पार्टीशन, तो इसलिए उन्होंने हमें सेपरेट वॉशरूम जो है वो बाहर दिया था। ये वैसे वॉशरूम दूसरी तरह यूज़ नहीं होता, मतलब शावर वगैरह इस तरह का सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने हमें ये थोड़ा सा सिस्टम बना के यहाँ पर दिया है। अदरवाइज़ जो है ये वैसे ही जैसे पाउडर रूम टाइप होता है उस तरह का ये वॉशरूम था। तो ये सब इसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है भाई, छोटा सा ही वॉशरूम है, बस खड़े होकर आप नहा सकते हो। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो सब कुछ सही है, गुजारा हो रहा है। एक मतलब पार्टीशन के मुताबिक, एक स्टूडियो नहीं है, पूरा एक घर नहीं है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा इस तरह का दिख रहा होगा। तो उसके अलावा ये इनका कॉमन एरिया है इस घर का, और ये डाइनिंग उन्होंने थोड़ा सा बाहर रखा हुआ है अपने इस्तेमाल के लिए, या जो भी बैठ जाए, हम बैठ जाएँ या वो लोग बैठ जाएँ, जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी जगह है साथ, और उसके साथ ये वाला पोर्शन आ जाता है। ये भी उन्होंने अपने मुताबिक टेबल और छोटी मोटी चीज़ें अपनी रखी हुई हैं जो हम यूज़ नहीं करते, हम करना चाहें तो कर लें, लेकिन उन्होंने अपने लिए रखा। ये उनका रूम है और इसी के अंदर अटैच वॉशरूम है दूसरा वाला, और ये 1 BHK अपार्टमेंट है। और ये जो सारा एरिया ये वाला आपको नज़र आ रहा है, किचन और ये रूम और ये सब कुछ जो है वो कॉमन था, मतलब कि जो कॉमन बैठने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो एरिया था, तो उन्होंने इसको इसमें रूम में कन्वर्ट करके तो इसको रेंट पे दे दिया, मास्टर रूम एज आ। इसके साथ ये छोटा सा किचन है इनका, और इस किचन के तो ये फ्रिज वगैरह सब कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल था। मतलब दो फैमिलीज़ के लिए तो काफ़ी है, वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं। साथ वॉशिंग मशीन भी फिक्स है, और स्टोव भी अवेलेबल है, माइक्रोवेव, मतलब ज़रूरत की सब चीज़ें अवेलेबल हैं इधर। यहाँ पर ये सब उनके बर्तन वर्तन और सब चीज़ें पड़ी हुई है, हमने थोड़ी सी अपनी चीज़ें रखी हैं यहाँ पर। ये सारी एक स्लैब बनी हुई है, तो यहाँ पर ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी, चाय की पत्ती और चीनी वगैरह, नमक वगैरह, मसाले, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैंने खुद अपने से रखी, वरना उनकी हर चीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई थी। और उन्होंने कहा यूज़ कर सकते हो, आप भी यूज़ कर लो, लेकिन अच्छा नहीं लगता यार, हर बंदे की अपनी एक प्राइवेसी और चीज़ें। और उसके अलावा ये सब कैबिनेट्स बने हुए हैं दो, और ये माइक्रोवेव और ये स्लैब वगैरह सब कुछ हर चीज़ बनी हुई है, नीचे भी कैबिनेट्स बने हुए हैं और ड्रॉअर भी बने हुए हैं। तो ये सारा सामान उन्हीं का है यहाँ पर पड़ा हुआ, हमारे बस एक आधा ये खाना पकाने का या फ्राई पैन वगैरह है। ये इतना छोटा सा किचन है और इसमें माशाल्लाह हर चीज़ समा गई है, हर चीज़ अवेलेबल है, और दो फैमिलीज इसको आराम से यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे हमारे भी नहीं हैं, उनके पास भी नहीं है शायद, तो इतना ज़्यादा वो घर में वो नहीं लगता रश वगैरह। तो ये वाला सारा जी किचन का एरिया है, और उसके साथ एक ही एसी का सिस्टम दिया हुआ है जो उनके रूम को भी करता है और हमारे रूम को भी, पूरे घर को जो है वो करता है। उसके अलावा ये कमरा शुरू हो जाता है जो मास्टर रूम है, उन्होंने हमें दिया था। उसमें ये वाला एक जो है सोफ़ा पड़ा हुआ है पहले से ही, मतलब जो सोफ़ा, जो चीज़ें इस कमरे के अंदर मौजूद थी मैं वो आपको दिखा रही हूँ। ये एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, और ये LED उन्होंने हमें लगा के दी थी, लेकिन केबल का इसमें वो जो स्मार्ट LED नहीं है, तो इसलिए बस ऐसे ही खड़ी है, लैपटॉप के साथ ही आप चला सकते हो। बाकी सीनरी विनरी वगैरह का सिस्टम बहुत अच्छा है, टेबल भी मतलब रखा हुआ है, अच्छा खुली जगह है, और मिरर भी यहाँ पर एक अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर सब कर्टन, और इस साइड पे जो उस वाले रूम की है साथ बैल्कनी है, और इस रूम के साथ बैल्कनी है लेकिन यहाँ से खुलती नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो है वो आप विंडो के थ्रू जो है यहाँ बाहर देख सकते हो, और विंडो भी अच्छी खासी जो है वो खुली है। बैल्कनी इतनी ज़्यादा बड़ी है इस घर की कि पूरा जो है ना स्टूडियो वो एक बन सकता है आप कह सकते हो। ये पता नहीं उन्होंने अपने सामान वामान सब कुछ रखा हुआ है। तो उस साइड से वो कमरा आई थिंक थोड़ा सा छोटा है वॉशरूम अंदर होने की वजह से, इसलिए बेल्कनी उसके साथ अटैच है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है फिर भी। और ये वाला रूम वैसे ही खुला अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सब कर्टन वर्टन लगे हुए हैं, और ये थोड़ा सा एक डेकोरेशन का उन्होंने रखा हुआ अपने स्टाइल से।
और ये वाला बेड अवेलेबल है, इसमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब नीचे भी आप इसको स्टोर कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ रखनी है। और इसके अलावा ये वाली जो कबर्ड है, हमने अपने जो अटैची किस वगैरह जो भी सामान था फ़िलहाल ज़्यादा ओपन नहीं किया, जो चीज़ें इस्तेमाल की थी वही बस ओपन करके जो है ना वो अलमारी में रख ली है, और बाकी सब कुछ अंदर ही है। और बाकी थोड़ा सा स्टोरेज को हमने यूटिलाइज़ किया है कि यहाँ पर चीज़ें रख लेंगे, तो ये सारा सीन है जी। और ये वाला जो है कारपेट यहाँ पर बिछा हुआ था, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कमरे के अंदर आधा कारपेट बिछा हुआ तो पूरा हो, तो आप बगैर जूतों के ही आ जाओ, और अगर नहीं है तो फिर हाफ में बहुत मसला होता है झाड़ू वाड़ू सब कुछ सफाई करने में। तो ये सारा जो मास्टर रूम है वो हमें तकरीबन 3000 का पड़ा है यहाँ पर सिलिकॉन ओएसिस के अंदर, और इसके अलावा 1000 जो है वो हमने दिया है इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये सीन है। इसके अलावा यहाँ पर एक आयरन स्टैंड भी है और आयरन उनके पास है फिलहाल, तो ये बहुत ही बुरा लग रहा था रूम के अंदर और बिल्कुल जगह नहीं थी क्योंकि मैं इसको कहाँ रखूँ, तो फिलहाल मैंने इसको वीडियो के लिए जो है छुपा के पीछे रख दिया, वरना ये सामने यहाँ पड़ा होता है अक्सर इस्तेमाल के लिए, इस चीज़ ज़ाहिर है तो फिर इस्तेमाल होती रहती है बस। इसके अलावा ये मास्टर रूम की यहाँ पर प्राइसेस है 3000 से लेके इससे ऊपर ही जाएंगी, तो हमें बहुत अच्छा जो है वो रूम मिल गया शुक्र है, और बहुत कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। हम पहले जब देखने आए थे तो बहुत छोटा लग रहा था, और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि बिल्कुल हम नहीं रह सकेंगे इसके अंदर, ये सांस बंद होगा, सारा दिन बंदा अंदर ही बैठा रहे। लेकिन जब हम आके रहने लग गए तो हमें मतलब 2-4 दिन रहने के बाद थोड़ा सा सही लगा, खुला खुला लगने लग गया रूम। ज़ाहिर है किचन जो है वो शेयर्ड है इस जो हमने मास्टर रूम लिया है, और वॉशरूम उन्होंने हमें एक दिया है, तो फिर काफ़ी खुली स्पेस मिल जाती है, वो लोग अपने रूम में इस्तेमाल करते हैं वॉशरूम अपना, और उसके अलावा किचन वो इस्तेमाल करते हैं कभी कभार करते हैं, ज़्यादातर हम ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो शायद जॉब करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, तो इतना ज़्यादा उनका वो नहीं होता। और ये वाली जो पार्टीशन है ये किचन के साथ इस रूम की इन्होंने बना के, और ये सारी दीवार जो है ना मेरे ख्याल से जो दूसरा फोम वगैरह किसी चीज़ से इसको कवर किया है और इसको एक रूम बनाया है, मास्टर रूम बनाया है, वरना ये सारा जो है वो किचन की एक कॉमन की जगह थी। और उसके अलावा ये एसी वैसी सब कुछ इंस्टॉल करवाया है, शायद इनका अपना घर है तो इसलिए शायद ये सारा कुछ जो है वो किया है, वरना अगर आपका रेंट का घर होता तो आप इसकी तरह तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हो और चीज़ें वीज़ें चेंज नहीं कर सकते हो। और ये सब कुछ बहुत अच्छा, एसी वैसी सब बहुत, लाइटिंग और कमरा बहुत ज़्यादा रोशन और माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मुझे शुरू से बहुत ख्वाहिश थी कि मैं वाइट कलर का फर्नीचर लूँ, लेकिन कभी इतफाक नहीं हुआ, खैर अल्लाह ने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। लेकिन इसको साफ़ रखना बहुत ही जो है ना मुश्किल काम है, अभी हमें 1 हफ्ता हुआ है यहाँ रहते हुए और इतना ज़्यादा जो है वो इसको सफाई का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं से मैला ना हो जाए, थोड़ा सा वेलवेटी है तो इसलिए हर चीज़ को जल्दी कैरी कर लेता है, जो भी कचरा वचरा हो या डस्ट हो, तो ये ब्लैक चादर भी जो है ना ये भी हर चीज़ को जल्दी कैरी करती है कचरे को ख़ास तौर पे, तो बस इसको चेंज कर दूँगी और बस ये सारे सीन है। खैर अगर आप लोग मास्टर बेडरूम जो है वो ढूंढ रहे हैं कहीं पर तो फेसबुक से आप लाजमी सर्च कीजिएगा, क्योंकि हमें जितने भी अब तक दुबई में आके अपार्टमेंट्स मिले हैं वो सारे के सारे इसी के थ्रू फेसबुक के थ्रू ही मिली है, डूबेजल वगैरह पे होते हैं लेकिन वहाँ पर जो है ना या तो डेट ज़्यादा हो जाती है या जो है लोग अवेलेबल ही नहीं होते हैं जो आप जिनसे आप रब्ता करके जो ख़रीद सके अपार्टमेंट, तो फेसबुक वाले जो है ना वो एक्टिव होते हैं लोग ज़्यादा और आपको फ़ौरन से मिल जाता है। खैर जी ये भी एक पाकिस्तानी फैमिली थी, वरना प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, आप सब लोग जानते ही हैं ज़ाहिर है, अगर आप अकेले रह रहे हैं एज आ जो मेल है, मेल कोई रह रहा है अकेला तो उसको तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन अगर कपल के तौर पे आप रह रहे हो या आपके साथ छोटा बच्चा है तो इस तरह के मास्टर रूम में रहना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। अगर एडजस्ट कर सकते हैं कुछ अर्सा तो बिल्कुल किया जा सकता है। पहले हम जहाँ रेंट दे रहे थे तकरीबन 45 से भी ऊपर दे रहे थे, अब यहाँ हमें तकरीबन 3000 देना पड़ रहा है, तो वो काफ़ी, अगर 1400-1500 भी हम बचा रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। और आप अपने अब घर की तरफ जा सकते हो, सालाना घर की तरफ जा सकते हो, तो बस हमने इस नियत से भी थोड़ा सा किया था कि थोड़े से कम में रह के देखते हैं कि क्या सीन है, वरना गुजारा यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब प्राइवेसी का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, वो लोग भी अपने रूम से नहीं निकलते, हम लोग भी ज़्यादा उनके साथ दखल नहीं रखते, वो जॉब वाले हैं तो इसलिए भी ज़्यादा टकराव नहीं होता हमारा उनके साथ, तो बाकी जो प्राइवेसी इंसान खुद ही बाकी रखता है, कितना किसके साथ मेल जोल आपने रखना है वो तो आप पे खुद पे डिपेंड करता है। और बाकी सब कुछ जो है बहुत अच्छा है, मास्टर रूम अगर आपको मिल रहा है तो आप वहाँ विज़िट करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो है ना अक्सर जो तस्वीरों में बहुत बड़े बड़े लग रहे होते हैं लेकिन जहाँ जा के आप विज़िट करते हो ना तो बहुत ही
कम और छोटे से लग रहे होते हैं मास्टर रूम, तो इसी तरह जो है आप सर्च कर सकते हैं। और इस मास्टर रूम के अंदर जो है हमें सिर्फ रेंट ही पे करना है, उसी के अंदर आपका वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये जितने भी बिल होते हैं यहाँ पर वो सब उसके अंदर इंक्लूड है। मेंटेनेंस वगैरह या कोई भी चीज़ अगर आपको इशू कर रही है तो वो सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए ये हमें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में सिलिकॉन ओएसिस में ख़ास तौर पे मिल गया, क्योंकि सिलिकॉन ओएसिस में बहुत ज़्यादा रेंट्स आए हुए हैं पिछले कुछ 5-6 महीने से, तो इसके मुताबिक हमें बहुत बेस्ट लगा। तो अभी देखेंगे, कुछ अरसा हम रहेंगे वरना चेंज कर लेंगे या वरना पाकिस्तान मूव कर लेंगे, कुछ इस तरह का सीन हम सोच रहे हैं। तो खैर जी, मेरा एक्सपीरियंस मास्टर बेडरूम का बहुत अच्छा रहा। अगर आप लोग भी एज अ कपल या सिंगल पर्सन ढूंढ रहे हैं तो मास्टर बेडरूम इज़ अ गुड ऑप्शन। वरना मैं पहले बहुत स्टूडियो का आपको देती थी मशवरा कि स्टूडियो ले ले, स्टूडियो भी अच्छा होता है, एक इंसान की खुद की प्राइवेसी होती है, बहुत ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाती है अच्छी खासी, लेकिन अब स्टूडियो के रेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं। तो बेहतर है अगर आप कपल के तौर पर हैं तो आप मास्टर बेडरूम भी ले कर गुजारा कुछ अर्सा कर सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे जमा करें, और फिर उसके बाद आप स्टूडियो की तरफ या 1 BHK की तरफ जा सकते हैं। वरना एयरली वाला ऑप्शन तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ इसी पे गुजारा करें दुबई के अंदर फ़िलहाल। खैर, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।